नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/(x + 4) -1/(x - 7) इज इक्वल टू 11/30 सो यहाँ से क्या आएगा, x + 4 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 11/30। आप इसे लिखेंगे x - 7 और इसे लिखेंगे -x - 4, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट। सो यहाँ से आएगा -11/(x + 4) इंटू x - 7 इज इक्वल टू 11/30। यू कैन कट इट एज लाइक दिस, सो -1 आ जाएगा यहाँ पे। सो -30 इज इक्वल टू x + 4 इंटू x - 7। इसी को आप अगर रिवर्स करके लिखें, इसको इधर और इसको इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट विल बी x² और a + b डैट इज -3x + ab तो -28 इज इक्वल टू -30। सो इट विल बी x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -30 को मैं इधर लेके आऊँगा तो -28 + 30 इज इक्वल टू +2। सो इट विल बी x - 2 x² - 2x -x + 2 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सो x इंटू x - 2 -x - 2 इज इक्वल टू 0। आप इसे सीधा फॉर्मूला में पुट करके भी कर सकते हैं अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं दिखता है तो। सो x - 2 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या आया, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। ये भी चेक कर लेंगे, अगर इनमें से कोई भी यहाँ पे आ रहा होता आप उसे नेग्लेक्ट करते, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इनमें से कोई भी वैल्यू आएगी तो एक वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।